ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। जहां तक बात करी शिक्षा मित्रों की, शिक्षा मित्रों को 2014 में समाजवादी सरकार जब थी उस समय इसको शिक्षा मित्रों को अध्यापक के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। लेकिन उसके बाद में ये लोग शिक्षा में, जब ये सहायक अध्यापक पे नियुक्त हो गए तो इनकी जो सैलरी, इसमें अपने सवाल में इन्होंने जो कोट करी थी अपनी सूचना में, इनकी सैलरी शिक्षक के बराबर इसको कर दी गई। लेकिन 2017 में एक बार दोबारा से कोर्ट के आदेश के अनुसार इन लोगों को, क्योंकि NCET के जो उसके नियम है, उसके जो मानक है, एक शिक्षक होने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन विभाग द्वारा जो एक भर्ती परीक्षा कराई जाती है उसको पास होना आवश्यक है, ग्रेजुएट होना आवश्यक है, BTC या BEd होना आवश्यक है, इसके साथ साथ TET को भी पास किया होना आवश्यक है, तब एक व्यक्ति को शिक्षक बनाया जा सकता है। और जितने हमारे शिक्षा मित्र, इसमें से लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों को जिनको शिक्षक बनाया गया था, इसमें से 15,240 शिक्षा मित्रों ने इन सारे मानकों को पूरा किया तो उनको शिक्षक के रूप में हमारे विभाग में समायोजित कर दिया गया और शिक्षकों के बराबर उनको वेतन भी दिया जाता है। और बाकी के जितने हमारे शिक्षा मित्र जो रह गए थे उनको जो 3500 रुपए की धनराशि जिनको मानदेय दिया जाता था उसको हमारी सरकार में 2017 में बढ़ा करके 3500 रुपए से सीधे 10,000 रुपए का मानदेय करके उनको लाभान्वित करने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार शिक्षा मित्रों के हित के साथ है और आने वाले समय में भी जो भी निर्णय उनके हित में अगर लेना आवश्यक होगा तो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पीछे नहीं हटेगी। शिक्षा मित्रों के साथ हम अवश्य हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, माननीय सुरेश त्रिपाठी जी। माननीय मंत्री जी का जवाब जो शिक्षा मित्रों के संबंध में था बहुत ही स्वागत योग्य है। सिर्फ एक सवाल ही है छोटा सा, क्या माननीय मंत्री जी 2017 में आपने कहा कि इनका 10,000 मानदेय कर दिया गया, तो आज हम 2022 में हैं, पुनः है सरकार लौट के आई है इस प्रदेश पे, तो क्या इनके ऊपर जी वो कह तो रहे हैं कि उनके हित में जो निर्णय लेना, अंतिम बात हमारी, जो निर्णय लेना आवश्यक होगा लेंगे। हाँ, तो वही निवेदन कर रहा हूँ, क्या माननीय मंत्री जी 2022 में उनके मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार करेंगे? माननीय ध्रुव जी, मान्य आदरणीय ध्रुव कुमार जी, तमाम लोग ऐसे सुनिए मत बोलिए, आप सुनिए मत बोलिए जी, जी। ध्रुव जी आप बोलिए, सुनिए मत। यह है बड़ा अच्छा अवसर है मान्यवर कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं वह बाबू जी के सुपोत्र हैं और शिक्षा मित्रों का उस समय उनकी नियुक्ति की गई और उन्हीं के निर्णय से हुआ, बाबूजी के ही निर्णय से हुआ। वह पौधा, शिक्षा मित्र रूपी पौधा जो है वह बाबूजी के द्वारा लगाया गया है और वह तब लगाया गया है जब प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पर थे, विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था और शासन जो है शिक्षा विभाग किन कर्तव्य विमूढ़ था कि हम कैसे विद्यालयों को चलाएं। अरे सुझाव दे दीजिए, तब जा करके शिक्षा मित्रों का बाबूजी ने नियुक्ति का प्राविधान बनाया 1800 रुपए से। लेकिन जब एक सरकार ने उनको वह किया, शिक्षा बनाया, मान्य इनकी नियुक्ति 2000 से शुरू हुई, 2000 से, और इस प्रदेश में RTE एक्ट जो है जिसके तहत जो है TT अनिवार्य किया गया माननीय नेता सदन, वह 2011 से किया गया, 2011 से किया गया। तो युवा तो शिक्षक, वह तो BTC योग्यताधारी हैं, चाहे पत्राचार से हो चाहे जैसे हो, तो वह बाध्यता लागू करना कि इनको जो है TT पास होना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा दिल आपको करना होगा माननीय मंत्री जी। और आप
अपने ही पूर्वज के द्वारा लगाए गए पौधे को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम जो ये टीटी अनिवार्यता की गई वह 2011 से की गई और उनको उससे वंचित रखा जाना चाहिए। नहीं खींच रहे तो क्या माननीय मंत्री जी, अच्छा आप प्रश्न आया, हाँ अब आया, बताना पड़ेगा माननीय ने, हाँ कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसे शिक्षा मित्रों को टीटी से मुक्त करते हुए उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिए जाने पर विचार करेंगे?